इंडस्ट्री के मशहूर लेखक, निर्देशक और एक्टर सतीश कौशिक अचानक सबको छोड़कर चले गए। सतीश कौशिक जब से गए हैं तब से इंडस्ट्री में उनकी कमी महसूस की जा रही है। उनके दोस्त लगातार उन्हें याद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा अब अनुपम खेर और अनिल कपूर, जिनके साथ उनकी दोस्ती 40 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। संघर्ष के दिनों से लेकर के अब तक हमेशा तीनों साथ रहे। सतीश कौशिक के जाने के कुछ ही दिन बाद आया उनका जन्मदिन, जिन्हें उनके खास दोस्त अनुपम खेर ने सेलिब्रेट करने का फैसला लिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन फिर भी सतीश कौशिक की पत्नी शशि कौशिक और अनुपम खेर ने मिलकर ये फैसला लिया और मुंबई के इस्कॉन ऑडिटोरियम में इसे सेलिब्रेट किया गया। इंडस्ट्री का हर वो शख्स जिसने सतीश कौशिक के साथ वक्त बिताया था यहाँ पर उन्हें याद करने और उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचा था। कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। सतीश कौशिक ने इसे सच कर दिखाया और वाकई में उनकी इसी बड़ी और प्यारी जिंदगी को सेलिब्रेट करने उनके दोस्त, उनके चाहने वाले यहाँ पहुंचे थे। यादों का सफर बहुत लंबा रहा, कभी हंसाया, कभी रुलाया और कभी लोग सोच रहे थे कि आखिर सतीश ये क्या कर गए। लेकिन आखिर में जब उनकी बेटी वंशिका ने अपने पिता को लिखी हुई चिट्ठी पढ़ी तो हर किसी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वंशिका ने अपने खत में लिखा, हेलो पापा, मुझे पता है आप नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए हमेशा रहूंगी। आपके सारे दोस्तों ने मुझे स्ट्रांग रहना सिखाया है, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपकी बहुत याद आती है। अगर मुझे पता होता ये होने वाला है, मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के लिए स्कूल नहीं जाती। काश आपको एक बार गले लगा पाती, लेकिन आप कहीं चले गए हैं। आप हमेशा दिल में रहेंगे। काश जैसा फिल्मों में दिखता है वैसा कोई जादू होता, आप जिंदा हो जाते। मुझे नहीं पता कि अब जब माँ मुझे होमवर्क नहीं करने पर डांटेगी तो मैं क्या करूँगी। अब स्कूल जाने का भी मन नहीं करता है। जो दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं उन्हें कैसे जवाब दूंगी। हर वक्त आपकी याद आती है। आपके लिए पूजा भी की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप हेवन में जाएं, खुश रहें, वहाँ बड़े से बंगले में रहें, फरारी जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाएं, खूब टेस्टी खाना खाएं। कोई नहीं, हम 90 साल के बाद मिलेंगे। प्लीज दोबारा जन्म मत लीजिएगा, हम वहीं मिलेंगे। प्लीज मुझे याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी पापा। जब भी आंखें बंद करती हूँ, अपने दिल को छूती हूँ तो आप नजर आते हैं। मुझे सही दिशा दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। आप मेरी जिंदगी में हमेशा रहेंगे। आई लव यू। मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट पापा मिले थे। वंशिका के इस खत को सुनकर वहाँ रहने वाले हर शख्स ने आंखें बंद करके नम आंखों से सतीश कौशिक को याद किया। एक बेटी की अपने पिता के लिए ये विदाई भरा संदेश वाकई में सबके दिल को छू गया।